बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज बायोलॉजिकल मेथड, चैप्टर नंबर 2, नाइन्थ क्लास पीटीबी। अच्छा, आज हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल मेथड किसे बोलते हैं, कौन लोग इसे इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर, जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, उसमें साइंस की डेफिनेशन दी गई थी, तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी सेम डेफिनेशन दी गई है साइंस की। अगर आप यहाँ से याद करना चाहें या वहाँ से, तो आप कर सकते हैं। हमने कहा था साइंस इज अ सिस्टमाइज नॉलेज, साइंस इज अ सिस्टमाइज नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। किसकी बुनियाद पर है? मुशाहदात और तजर्बात की बुनियाद पर, टू एनालाइज द बायोलॉजिकल डेटा या टू एनालाइज द साइंटिफिक डेटा। तो हमने एक सिस्टमाइज नॉलेज, एक तहकीक तलब मुतालिया करना है किस चीज़ का, मुशाहदात और तजर्बात का, जिसको हम क्या नाम देंगे, साइंस का नाम देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमारे पास लेक्चर नंबर 1 बायोलॉजिकल मेथड है। हम बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन की अगर बात करें, वो कहता है अ साइंटिफिक मेथड। अगर आपने लिख दिया अ मेथड, तो आउट ऑफ 2 आपको 1 मार्क मिलेगा। आपने लिखना है अ साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड मेथड विच इज यूज्ड टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। एक साइंसी तरीकेकार है जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है, इसको कौन लोग यूज करते हैं और कब इस्तेमाल करते हैं। कौन लोग यूज करते हैं? मोस्टली इसको साइंटिस्ट यूज करते हैं। ठीक हो गया, बायोलॉजिकल जो मेथड है इसको कौन यूज करते हैं? साइंटिस्ट। उसमें कौन आ जाते हैं? केमिस्ट आ जाते हैं, फिजिस्ट आ जाते हैं, मैथमेटिस्ट आ जाते हैं, बायोलॉजिस्ट आ जाते हैं, मतलब तमाम जो भी साइंसदान है वो इस मेथड को क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। किस मकसद के लिए? टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किसे बोलते हैं? ऐसा मसला जो किसके रिलेटेड हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके रिलेटेड हो, ऐसा मसला जो लिविंग जिंदा जानदारों की क्या हो, मुतालिक हो, उसको जो हल करने का मेथड होता है वो बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। अच्छा, अगर हम बात करें कि बायोलॉजिकल मेथड तो हो गई, ये लोग भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसको इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, इसकी बेसिक वजह क्या है, वो कहता है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ नीड ऑफ मेडिसन। किस चीज के लिए? अच्छा, इकोलॉजी, उसके बाद टेक्नोलॉजी, टू इंश्योर डेटा फॉर पब्लिक यूज। ये हमारे पास डिफरेंट क्या हैं, मेथड्स हैं, जिसकी वजह से हम बायोलॉजिकल मेथड को इस्तेमाल कर रहे हैं। एडवांसमेंट ऑफ मेडिसन, सबसे पहले हमने कोई भी न्यू मेडिसन डिस्कवर करनी है, उसकी जो एडवांसमेंट होगी बायोलॉजिकल मेथड की वजह से होगी। इकोलॉजी बोलते हैं इकोसिस्टम, इकोसिस्टम किसे बोलते हैं? लास्ट टाइम हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी कहलाता है। टेक्नोलॉजी, हम कोई भी टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड है, चाहे वो फिजिकल टेक्नोलॉजी है, फिजिक्स के मुतालिक है, कोई भी टेक्नोलॉजी। टू इंश्योर डेटा फॉर पब्लिक यूज, और हमने एक ऐसा डेटा इकट्ठा करना है जो किसके लिए हो, पब्लिक, लोगों, आम लोगों के इस्तेमाल के लिए हो। अब अगर साइंटिस्ट अपनी ही जबान के अंदर जो भी मसले का हल निकालें,
वो उसको आगे पब्लिश करवा दे तो लोगों की समझ में नहीं आएगा। सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अगर हम दाने चक्की पे ले जाते हैं, फर्ज करें हमने उन्हें साफ़ करवाना है, तो हम क्या कराते हैं जब उसको देते हैं कि इसको साफ़ करना है, वो बैठ के उसको एक एक मट्टी का दाना तो नहीं चुनता, वो एक मशीन के अंदर डाल देता है जिसके अंदर डिफरेंट सीव्स लगी होती हैं, जालियाँ लगी होती हैं जो मट्टी को अलहदा कर रही होती हैं, कुछ पार्टिकल्स अलहदा कर रहे होते हैं, मतलब डिफरेंट किस्म का जो भी ज़रात होते हैं दानों के अंदर, वो उसको क्या कर देते हैं सेपरेट। तो बायोलॉजिस्ट भी डेटे को सेपरेट कर देते हैं, एक आसान अल्फाज में क्या करते हैं बयान कर देते हैं, ताकि पब्लिक को क्या हो जाए, आसानी हो जाए किस क्या करने में, समझने में। अब बायोलॉजिकल मेथड को हल करने के लिए डिफरेंट 7 मेथड दिए गए हैं, मेथड्स हमारे पास हैं, या हम इनको क्या कर देते हैं स्टेप्स, टोटल 7 स्टेप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है ऑब्जर्वेशन, तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है फॉर्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाता है डिडक्शन, पांचवें नंबर पे अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटेशन, छठे नंबर पे बात करें हमारे पास समराइजेशन, किस चीज की डेटा, एंड लास्ट पे हमारे पास सातवें नंबर पे आ जाता है रिजल्ट। ठीक हो गया, किस चीज का डेटा का, ये 7 डिफरेंट स्टेप्स हैं जिसमें हम जो क्या करते हैं बायोलॉजिकल मेथड को हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन 7 मेथड के जरिए हम एक बायोलॉजिकल मेथड को हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, हम क्या करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहचानने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं पहचानने की, ये ना हम 2-3 साल वर्क करते हैं लास्ट में पता चले ये तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ही नहीं है, उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके मुशाहदात करते हैं, उसके बाद हम एक तखयलाती थ्योरी पेश करते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस डिडक्शन करते हैं उसमें हम कि आया कि ये डेटा ठीक है या गलत है, उसके बाद हम क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके ऊपर, अगर हमारा रिजल्ट आ गया तो हम उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद हम जो डेटा है उसको समराइज करते हैं, जैसे हमने कहा अभी कि क्या करते हैं टू इंश्योर डेटा फॉर पब्लिक यूज, यहाँ पे हम सब इतना बड़ा डेटा होता है, इतनी बड़ी कलेक्शन होती है, उसका एक खुलासा निकाल देते हैं, उसके बाद क्या कर देते हैं उसके रिजल्ट शो करवाते हैं। तो आज हमारे पास जो है पहला स्टेप पढ़ने जा रहे हैं रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान कैसे करते हैं। वो कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल वी इंश्योर दैट इट इज एन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, सबसे पहले वो कहता है हमें ये यकीन करना होगा कि ये एक बायोलॉजिकल मसला है। बायोलॉजिकल मसला क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो रिलेटेड होगा वो एक बायोलॉजिकल मसला होगा। हमारी बुक के अंदर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की मलेरिया की उसने एग्जांपल दी हुई है, पहले दौर के अंदर लोग नहीं जानते थे कि मलेरिया क्या है, अब सिंपली बुखार होता था लोग मर जाते थे, तो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था, फिर लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इस पर रिसर्च करना शुरू कर दी और आखिरकार इसका क्या हो गया वो नतीज निकाल लिए उन्होंने, इसकी क्या वजूहत हैं, ये क्यों होता है और ये कैसे ठीक होगा। तो नाउ रिसेंटली हमने कोरोना फेस किया, वो भी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था, तो उनको उसको भी इन 7 मेथड के जरिए क्या किया जाएगा हल। अब देखें वो कहते हैं रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, सबसे पहले हमने बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है उसको पहचानना है कि ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है या नहीं, हम पहचानेंगे कैसे, वो कहते हैं इट इज एन क्वेश्चन, ये सवाल होता है,
क्वेश्चन कोई भी हो, मसला होता है। अब मैं आपसे स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन पूछ लूँ, स्टूडेंट के लिए कोई भी क्वेश्चन एक बहुत बड़ा मसला है जिसका जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे पास जब भी बायोलॉजिस्ट वर्क करता है उसकी पहचान करने के लिए वो कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसा? एक ऐसा सवाल जो क्या आता है, खुद ब खुद बायोलॉजिस्ट के माइंड में आ जाता है, या तो वो खुद ब खुद माइंड में आ जाएगा या लोग उससे पूछेंगे कि इसकी क्या वजह है। एक ऐसा क्वेश्चन विच इज, जो क्या होता है एक बायोलॉजिस्ट के माइंड में या उसके माइंड में क्या आ जाता है, हिमसेल्फ या हरसेल्फ खुद से एक ऐसा क्वेश्चन विच इज कम्स इनसाइड द बायोलॉजिकल इन द बायोलॉजिस्ट माइंड और समवन आस्क्ड बाय देम। ये एक ऐसा सवाल होता है जो या तो बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद बखुद आ जाता है या फिर क्या होता है, लोग उससे पूछते हैं कि यार इसकी क्या वजह है, ये मसला क्यों आ रहा है। देन जाके बायोलॉजिस्ट उस पर क्या करना शुरू कर देता है, ऑब्जर्वेशन, जो हम क्या करेंगे कल स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।